फ्रिज ठंडा कैसे रहता है? फ्रिज क्या दरवाजा खोल देंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। पाइपों में ना एक लिक्विड भरा होता है, फ्रिज का लाइट बंद क्यों हो जाता है? इसके नीचे अगर आप फ्रिज में ध्यान से देखेंगे ना, फ्रिज क्या दरवाजा खोल देंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा गर्म हो जाएगा। रीजन क्या है? फ्रिज का सिद्धांत समझिए, फ्रिज का सिद्धांत संवहन पर काम करता है। फ्रिज देखे हैं लोग नहीं? ये सब को ना बहुत लोग, ये ऊपर वाला आइस जमाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? आइस, इसे फ्रीजर कहते हैं, फ्रीज करके जमा देता है, इसमें आइसक्रीम वगैरह रखा जाता है। ये हमेशा ऊपर की ओर बनाया जाता है। रीजन क्या है कि नीचे इसके कई लेयर होते हैं, सब सब्जी रखिए, अपना अपना लेयर रखिए, लेयरवा को ऊपर नीचे घसका भी सकते हैं, यहाँ साइड साइड में जगह दिया रहता है। एक निकाल के जैसे ये साइड साइड में क्या दिया जाएगा, जगह दिया रहेगा। अगर आपको कोई बड़ा सा सामान रखना है, कोई बड़ा सा सामान रखना है तो ये ऑटो में नहीं करेगा, तो हाई वाला उठा के ऊपर रख सकते हैं, ये निकल जाता है। बीच वाला क्या होता है, निकल जाता, निकल के एक ऊपर चढ़ा दीजिए, ना तो एक ऊपर चढ़ा दीजिए, ना तो ही जल रख दीजिए, ये क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, बाहर निकाल दे। तो जितना भी सब्जी वगैरह या खाना पीना रखा जाता है वो इसी में रखा जाता है, वो इसकी उसमें गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, और जैसे ये गर्म हवा इसमें से निकलेगी और ऊपर का जो बर्फ है इसको आएगा, कहेगा आओ आओ आओ, तोरे खोज रहे थे, इधर आओ। ये क्या करेगा, जमा देगा, ये क्या करेगा, जमा देगा। इसके नीचे अगर आप फ्रिज में ध्यान से देखेंगे ना तो एक ट्रे लगा होता है, और ये ट्रे इस पानी को स्टोर कर लेता है, और इसका सप्लाई बाहर की ओर होता है, वो टप टप करके कहाँ निकल जाता है, बाहर, बाहर की ओर निकल जाता है। यहाँ से जितनी गर्म हवा जाएगी उसमें नमी होता है, भाप में क्या होता है, नमी, वो किससे टकराएगा, इस आइस से टकरा के क्या बन जाएगा, पानी, और वो इसी में जमा हो जाएगा। और ये ट्रे का पीछे से एक पाइप रहता है, बाहर गिर जाता है, कभी कभी ये ट्रेवा हिल जाता है आगे पीछे, तो पनिया इसी में गिरने लगता है, तो लोग कहते हैं फ्रिज पागल हो गया, हमारे यहाँ का हमारा फ्रिज पागल हो गया, बार बार उसका ट्रेवा क्या हो जाता है, हिल जाता है, तो नौटंकी करके रखा, तो कभी कभी हो जाता है एक आध गो फ्रिज। गर्मी के दिन में फ्रिज में पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए। रीजन क्या, या तो ससुराल एकदम में ठंडा कर देता है, घड़े का पानी ज़्यादा सही होता है। इसको इसलिए रखते हैं वो लोग जिनका घर द्वार रहता है, सामान खराब ना हो, सब्जी वगैरह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फल वगैरह, तो इसकी सारी गर्मी जो कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर, उसका टेम्परेचर कहाँ चला जाए, ऊपर, और ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्रीजर, वो जमा देता है। और अगर फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे ना तो जो इसमें से उष्मा निकल रही थी ना, ऊपरा नहीं जाएगा, रूमवा में चलाएगा, उसका कहाँ चलाएगा, रूम में, इस वजह से वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बताइए, फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया तो रूम का टेम्परेचर, बंद कमरे में पंखा चलेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। फ्रिज हो गया, फ्रिज में फ्रिज ठंडा कैसे रहता है, देखिए फ्रिज के अंदर जो हवा जाती है वो टकरा कर फ्रियोन गैस से जाती है, फ्रियोन गैस। फ्रिज के पीछे देखिएगा ना तो वायरिंग रहता है पूरी पाइप का, इसके पीछे पाइप रहता है इस तरह से, देखे हैं, ये वायर नहीं रहता है, क्या रहता है, पाइप, खोखला पाइप रहता है, ये खोखला पाइप देखे हैं आप कभी, फ्रिज को पीछे से देखेंगे तो यहाँ एक खोखला पाइप मिलेगा, और यहाँ एक घैली रख ले रहता है, काला रंग का, देखिएगा फ्रिजवा के पीछे देखिएगा, काला रंग का घैली रख ले रहता है, उसे कंप्रेसर कहते हैं, क्या कहेंगे, कंप्रेसर का, कंप्रेसर कुछ नहीं होता, पंखा होता है, पंखा को क्या कहा जाता है, कंप्रेसर। जब कभी भी हवा को फूंकते हैं इसे देखिए, ये कंप्रेसर नहीं है, वो कहते नहीं पातर करके फूंकिए, इसे कंप्रेसर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पातरे कर दीजिए क्या हो गया, कंप्रेसर। तो बस तनी जब पातर मुंह को पातर पाइप में फूकिएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसर। देहात में कंप्रेसर को फूकनी बोलते हैं, चूल्हा उल्हा फूका जाता है, वही क्या है, कंप्रेसर। प्रेशर के साथ हवा फेंकना कंप्रेसर, जैसे पंखा है, पंखा कंप्रेसर नहीं, हवा भी बिखेर दे, बड़का कीप लगा दीजिए ओकरा नीचवा, अगर पंखा है छत वाला पंखा, इसके नीचे क्या लगा दिए, बड़का कीप, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जो हवा यहां से निकलेगा वो क्या बन गया, कंप्रेसर, समझ में आ गया कि नहीं, प्रेशर के साथ हवा फेंकेगा तो कम, अब ऐसा मगा हवा फेंके, कंप्रेसर है, क्या है, भाप, ऐसे क्या है, कम, यही पतला करके और तेज फूकता है तो सीटी बज जाता है, देखते हैं ना,
उसका ठोड़वा ऐसे ऐसे जीप को और मोड़ देगा ऐसे सर, क्या समझा क्या? बस कर बबुआ, उतने भर करो, कौन है पड़ोसी वाला, मानिए नहीं रहा है, शांत हो गया। सोचता सर हमारा असली नाम लेके क्यों नहीं बुला रहे। तो कंप्रेसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंप्रेसर के दो फायदा याद रखिएगा, जब हवा को धीमी गति से फेंकते हैं तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और जब कंप्रेसर से फेंकते हैं तो टेम्परेचर घट जाता है। जैसे अपने हाथ पे अपना भाप ऐसे छोड़िए, गर्म लगेगा, लेकिन कंप्रेसर ऐसे ठोड़ बना के फेंकिए, ठंडा लगेगा। तो गर्मी के दिन में देखिएगा, किसी को ऐसे फूकेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे गरिया देगा आपको। तो इसके पीछे क्या रहता है? कंप्रेसर। कंप्रेसर में वो क्या रहता है? पंखा। पंखा क्या बनेगा? हवा, और एक पतला नली रहता है, और वो नलिया इसमें चढ़ा देता हुआ, समझ में आ गया कि नहीं? इसके पाइपों में ना एक लिक्विड भरा होता है, एक गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा होता है, जिसका नाम है फ्रियॉन 22। फ्रियॉन 22 इस ससुर, फ्रियॉन 22 इतना ठंडा है ना, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। 32 दे दिया, फ्रियॉन 22, कौन सा? फ्रियॉन 22। इतना ज्यादा ये ठंडा होता है कि इससे जो इतनी जितनी हवाएं टकराएंगी वो क्या हो जाती है? ठंडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फ्रिज के अंदर जो हवाएं जाती हैं वो इस पाइप से क्या होती हैं? टकरा के जाती हैं, और ये इस फ्रिज में क्या भरा रहता है? फ्रियॉन गैस। कौन सा गैस? फ्रियॉन गैस। फ्रियॉन क्या कर देता है? ठंडा। अब फ्रिज के अंदर हवाओं को पहुंचाता कौन है? कंप्रेसर। पहुंचाएगा कौन? कंप्रेसर। कंप्रेसर कंप्रेसर प्रेस करके पहुंचाता है, हवा अपने ठंडा हो जाता है, और दूसरा किससे टकरा गया? फ्रियॉन की पाइप से। ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाएगा पूरा? और अगर मान के चलिए पाइप का फ्रियॉन गैस में निकल गया, चिल्लाते रहो कंप्रेसर ठंडा होगा, अब पता चला कंप्रेसर ही खराब हो गया, पंखवे नहीं चल रहा है, तो फ्रियॉन 22 बाहर वाला के क्या करेगा? हवा अंदर पहुंचाओगे तब ना। तो दोनों चीज की जरूरत होती है, या तो गैस गड़बड़, गैस निकल गया, गैस निकल गया तो हवा तो आएगा लेकिन ठंडा होके नहीं आएगा, और अगर गैस ठीक ठाक है कंप्रेसर ही जल गया हवा नहीं आएगा, फ्रिज का लाइट बंद क्यों हो जाता है? सिंपल तो है, उसका स्विच उल्टा होता है। देखो एक होता है स्विच, स्प्रिंग स्विच। स्प्रिंग स्विच उसे कहते हैं, जब तक आप दाबेंगे तब तक वो दबा रहेगा, और जैसे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो फ्रिज का जो दरवाजा होता है, फ्रिज का दरवाजा, उसमें कौन सी स्विच लगी थी? स्प्रिंग स्विच। और उसकी वायरिंग जो होती है उल्टी रहती है, जैसे दबाइएगा ना तो बंद हो जाएगा, और छोड़िएगा तो खुल जाएगा, दबाइएगा तो बंद हो जाएगा, और छोड़िएगा तो मतलब दाब देंगे तो लाइट ऑफ, और छोड़ देंगे तो ऑन। तो वही लगा देता है यहाँ पे, जैसे दरवाजा बंद करते हैं तो दरवाजा जाके उस लाइटवा को दाब देता है, क्या कहता है? दाब देता है। जैसे दाबा अंदर का लाइट बंद, अंधार हो गया अंदर, और जैसे खोले और स्प्रिंग स्विच है खुल जाएगा। बचपन में आदमी उसको देखता था कब बंद हो रहा है, इसे खोल कर बंद है, बंद हो गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत?